हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ 5 डिफरेंट टाइप्स की पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले हम ऑनियन पकोड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक बाउल में 2 बारीक कटी हुई प्याज लेना है, उसमें 3 ग्रीन चिली चॉप करके डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स, 1 पिंच बेकिंग सोडा और 3-4 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक पैन में तेल गरम कर लीजिए और ऑनियन का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके गरम तेल में डालते जाइए। हमें इसे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना है। ये देखिए, हमारे पकोड़े एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे टर्न कर दीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर दीजिए। ये हमारे ऑनियन पकोड़े रेडी हैं। अब उसके बाद हम बनाएंगे पालक पकोड़ा। तो पालक पकोड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल में 3 स्पून बेसन ले लेना है। उसके बाद उसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 पिंच सोडा, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके उसका एक बैटर रेडी कर दीजिए। उसके बाद उसमें 1 स्पून गरम तेल करके डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमें एक पालक का पत्ता लेना है और पालक के पत्ते को अच्छी तरह से बैटर में डिप कर लेना है दोनों तरफ से, और एक पैन में गरम करके हमें एक एक करके तेल में डालते जाना है। पत्तों को हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना है। हमारे एक तरफ से पत्ते फ्राई हो चुके हैं, अब इसे टर्न कर दीजिए और दूसरी साइड से भी अच्छा क्रिस्पी होने तक के इसे फ्राई कर दीजिए। ये देखिए, हमारे पालक पकोड़े रेडी हैं। उसके बाद हम बनाएंगे आलू लच्छा पकोड़ा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 पोटैटो लेना है, उसकी स्किन अच्छी तरीके से निकाल के उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह की कटर की मदद से इसे एकदम पतले पतले कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों आलू को एकदम पतले पतले कट करके रेडी कर लिया है। हमें नाइफ़ की मदद से थोड़े थोड़े पीसेस लेके इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेना है। देखिए, मैंने सारे स्ट्रिप्स कट करके रेडी कर लिए हैं। अब हमें एक बाउल में पानी लेना है और ये सारे स्ट्रिप्स को उसमें डाल देना है। 2-3 पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसका सारा पानी निकाल लीजिए। अब उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 2 बिग स्पून व्हीट फ्लोर यानी का गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है। आप गेहूं के आटे के बदले बेसन या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए मैंने व्हीट फ्लोर ऐड किया है। व्हीट फ्लोर के बदले बेसन ऐड करने से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ऐसा छोटे छोटे बॉल्स बना के उसे एक पैन में तेल गरम कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा बॉल्स बना के उसमें गरम तेल में डालते जाइए। एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसे टर्न कर दीजिए और दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक की अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, हमारे गरम गरम क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा रेडी है। उसके बाद हम बनाएंगे मूंग दाल के पकौड़े। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 बाउल मूंग दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। भिगी हुई मूंग दाल को हमें एक मिक्सर जार में डालना है। उसमें 3 ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा वाटर डाल के उसको अब पीस लेना है। मिक्सचर को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। अगर हम बहुत फाइन पेस्ट कर देते हैं तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें डालना है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड क्रश कोरिएंडर सीड्स। आप उसमें कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चॉप्ड ऑनियन, 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर एंड 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अगर राइस फ्लावर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मैंने डाला थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमें एक पैन में तेल गरम करना है और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके ऐसे तेल गरम तेल में ऐसे डालते जाना है। ध्यान रखें, तेल एकदम ज़्यादा गरम होना चाहिए और गरम तेल में डालने के बाद में इसे आप मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। हमें पूरा पकौड़े मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। अगर आप फास्ट फ्लेम पे तलते हैं तो ये ऊपर से पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम रखना है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो आप इस रमज़ान इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और क्रंची लगते हैं। ये देखिए, हमारे गरम गरम पकौड़े बन के रेडी हैं। उसके बाद हम बनाएंगे पालक लच्छा पकौड़ा। उसे बनाने के लिए हमें 100 ग्राम्स पालक वॉश कर लेना है, उसे बारीक कट कर लेना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 ऑनियन चॉप्ड, 2 ग्रीन चिलीज बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर,
एंड हाफ बाउल रोस्टेड एंड क्रश्ड किया हुआ कोरिएंडर सीड्स। उसके बाद 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दीजिए। उसमें हम डालेंगे 1 बाउल बेसन और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हमें इसे थोड़ा सा पानी डाल के बस एक मिक्सचर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि इसमें पालक का भी पानी होता है, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसे बस अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी कर लेना है। उसके बाद एक पैन में हमें तेल गरम करना है और छोटा छोटा मिक्सचर लेके इसे तेल में डालते जाना है। अच्छे से डीप फ्राई करना है इसे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करते जाइए इसे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।